लिखा SIMILIA सिमिलिया। थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स। फोर्थ है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज। फिफ्थ है आपका लॉ ऑफ प्रूविंग, लॉ ऑफ प्रूविंग। सिक्स है लॉ ऑफ डायनामाइजेशन, DYNAMIZATION, लॉ ऑफ डायनामाइजेशन, स्लैश करके पोटेंटाइजेशन, POTENTIZATION, पोटेंटाइजेशन। सेवेंथ है वाइटल फोर्स, VITAL, वाइटल फोर्स। लिखा यानी कि जो आपका होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बेस्ड है आपके किस पे, सेवन प्रिंसिपल पे। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअलाइजेशन, सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स, फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोजेस, फिर है लॉ ऑफ प्रूविंग, उसके बाद आपका लॉ ऑफ डायनामाइजेशन, देन वाइटल फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका इंडिविजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है नो टू इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड और सेम। ठीक है, यानी कि जो कोई भी आपके दो इंडिविजुअल हैं, ठीक है ना, यानी कि जो पेशेंट हैं, दो अलग अलग पेशेंट अगर आपके पास में हैं, ठीक है, जिनको कि क्या है डिफरेंट क्या है डिजीज़ है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, सेम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास दो पेशेंट आते हैं जो कि क्या है अलग अलग डिजीज़ उन्हें होती है, अभी हमें पता तो है नहीं कि उन्हें क्या डिजीज़ है, ठीक है, पर उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं, तो हम सिर्फ उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उनको मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसमें इन्होंने यही लिखा है जो आपका इंडिविजुअलाइजेशन है, कि अगर आपके जो दो इंडिविजुअल मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल जो पेशेंट हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे, अगर उन्हें सेम डिजीज़ है तो हम उन्हें क्या करेंगे, सेम मेडिसिन कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है ना, यानी कि हम उन्हें क्या करेंगे, अलग मेडिसिन ही देंगे। तो इसमें लिखो नो टू इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड आर सेम, नो टू इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड आर सम, हैंस डिजीज अफेक्टिंग सम, हैंस डिजीज अफेक्टिंग द इंडिविजुअल कैन नॉट बी सिमिलर, द इंडिविजुअल कैन नॉट बी सिमिलर, दो THOUGH, दो दे मे शेयर कॉमन सिम्टम्स। यानी कि जो कोई भी दो आपके डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, तो उनमें अगर क्या है आपकी सेम डिजीज़ भी है इन केस, ठीक है, अभी हमें पता है नहीं, तो उसमें हम जो प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि उनमें जो डिजीज़ है वो सेम भी है, तो लेकिन प्रॉपर सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनके सिर्फ क्या हो रहे, सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, उनकी डिजीज़ मैच नहीं हो रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उन्हें डिफरेंट मेडिसिन ही प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हेल्थी पर्सन में वो ड्रग यानी कि जो सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं उसकी जो भी ड्रग होगी, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हेल्थी पर्सन में इंड्यूस करवाना पड़ेगा,
अगर उसके भी वही सिम्टम्स आए तो ही हम उसे क्या करेंगे, वो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज उसको दूसरी मेडिसिन देनी होगी। ठीक है, दूसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया, इसमें लिखो सिमिलिया सिमिबिलस, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर डैश करके लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। मैंने आपको पहले बताया है कि हम किसके बेस पे मेडिसिन दे रहे हैं, अगर दो बता रही हूँ ठीक है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर मीन्स मैंने आपको पहले भी लिखाया है लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। ठीक है, यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें क्या करेंगे हम, दो अगर आपके पास क्या है पर्सन है, एक हेल्थी है और एक आपका क्या है डिजीज़ वाला पर्सन है, तो हम क्या करते हैं पहले हम इंजेक्ट करवा रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं उसके सिम्टम्स को चेक कर रहे हैं, फर्दर हम क्या कर रहे हैं उसकी डोज को कम करके उसे डिजीज वाले पर्सन को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये लिखा है कि लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, यानी कि सिम्टम्स चेक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसमें लिखो ड्रग सब्सटेंस विच कॉज्ड, ड्रग सब्सटेंस विच कॉज्ड डिजीज और प्रोड्यूस सिम्टम्स इन डिजीज कॉज्ड और प्रोड्यूस सिम्टम्स इन हेल्थी इंडिविजुअल, इन हेल्थी इंडिविजुअल कैन बी यूज टू, कैन बी यूज टू क्योर द सम डिजीज इन पेशेंट, कैन बी यूज टू क्योर द सम डिजीज इन पेशेंट। ठीक है, फर्स्ट वाले का क्या मीन्स था कि अगर आपके पास कोई दो इंडिविजुअल हैं ठीक है, जिन्हें कि क्या है अगर सेम डिजीज़ भी है, अभी हमें पता नहीं है कि उन्हें वो डिजीज़ है कि नहीं है ठीक है, तभी भी हम क्या करेंगे उसको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी, नहीं तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पहले हमें जो क्या है आपके पास जो दो इंडिविजुअल आए हैं उन दोनों इंडिविजुअल के जो सिम्टम्स है उसको हमें क्या दो हेल्दी पर्सन में ट्रीट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पहले। ठीक है ना, इसमें ये है, दूसरे में क्या बताया है इन्होंने कि जो आपका क्या है हेल्थी पर्सन है उसको पहले इंड्यूस करवाएंगे, जब उसमें वो सिम्टम्स दिखेंगे फर्दर हम क्या करेंगे उससे जो आपका डिजीज़ वाला पर्सन है जैसे कि क्या है डिजीज़ कॉज्ड हो रखी है उससे हम क्या करेंगे मेडिसिन देंगे। थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स, इसमें लिखो ओनली वन सिंगल एंड सिंपल मेडिसिन एट वन टाइम। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ पेशेंट को सिंगल डोज देंगे जो कि सिंपल होगी और बहुत ही मतलब कम होगी। ठीक है ना, क्या करेंगे हम इसमें ओनली वन सिंगल एंड सिंपल मेडिसिन एट वन टाइम, एक टाइम में एक ही मेडिसिन देंगे, कोई भी मेडिसिन का क्या करेंगे कॉम्बिनेशन नहीं देंगे। आगे लिखो फ्रॉम विदाउट एडमिक्सचर, फ्रॉम विदाउट एड मिक्सचर स्लैश करके कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, एक टाइम पे हमें उसे एक ही डोज देनी है, यानी कि एक ही मेडिसिन की डोज देनी है बिना किसी कॉम्बिनेशन के, बिना किसी और सब्सटेंस को मिक्स करे हुए। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज, इसमें क्या चीज़ चेक कर रहे हैं ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अगर पेशेंट को कोई डोज दे रहे हैं ठीक है, तो वो जितनी कम डोज की हमारी क्या होगी मेडिसिन होगी वो उतनी क्या करेगी आपकी पोटेंशियल को क्या करेगी शो करेगी। ठीक है, यानी कि उतनी क्या करेगी वो पोटेंशियल को इन्हांस करेगी। उसमें लिखो
minimum dose of medicine at a time. Minimum dose of medicine at a time, which is just sufficient to arrest, which is just sufficient to arrest ARUSE. The vital force of an individual. The vital force of an individual. यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी आपके वाइटल फोर्स होते हैं, ठीक है ना, उसे क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा. इसलिए हम क्या चीज़ देते हैं इसको, मिनिमम डोज देंगे, जो कि क्या होगी आपकी सफिशियंट होगी. जितनी भी कम हम क्या करेंगे डोज करेंगे, उसकी पोटेंशी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी. नेक्स्ट लिखो लॉ ऑफ प्रूविंग. Law of proving. इसमें लिखो, if drug produce similar symptoms, if drug produce similar symptoms in a healthy person as that of diseased person, if drug produced similar symptoms in a healthy person as that of diseased person, the drug is considered as suitable for treating that disease. The drug is considered as suitable for treating that disease. लॉ ऑफ प्रूविंग में क्या है, मैंने पहले ही बताया था. अगर यहाँ पर लिखा ना, इफ ड्रग प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स, अगर क्या हो रहा है आपके हेल्थी पर्सन में और आपका जो डिजीज पर्सन है उनमें क्या हो रहा है, हमने प्रोड्यूस करवाया था, यानी कि सिमिलर सिम्टम्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों में, तो जो आपकी क्या होगी ड्रग होगी वो सुटेबल होगी किस चीज़ के लिए, ट्रीटिंग दैट डिजीज़. यानी कि वो मेडिसिन क्या होगी, हम डिजीज पर्सन को भी दे सकते हैं, वो क्या करेगी उसे उसकी डिजीज़ को कॉज करेगी, उसकी डिजीज़ को ठीक करेगी, ट्रीटमेंट में क्या होगी, यूजफुल होगी. सिक्स लिखो लॉ ऑफ डायनमाइजेशन. लॉ ऑफ डायनमाइजेशन. मेडिसिन यूज टू ट्रीट, मेडिसिन यूज टू ट्रीट द डिजीज शुड हैव, द डिजीज should have dynamic action, dynamic action to act on, to act on dynamic disturbance of life force. Dynamic disturbance of life force. अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो क्या हो रही है मेडिसिन्स यूज़ हो रही है किसके लिए,
ट्रीटमेंट के लिए, जो कि आपकी क्या डिजीज़ है किसी पर्सन को, तो उसके जो डायनामिक एक्शन होते हैं शरीर में, यानी कि मेटाबोलाइट हो गया आपका, ठीक है, आपके वाइटल फोर्स हैं जो कि क्या है, मतलब उसमें कुछ चीज़ की कमी हो रही है, तो उनको क्या करने के लिए, इन्हांस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका डायनामाइजेशन है वो करते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखो ब्रैकेट में, प्रिजर्व द नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थी बॉडी, प्रिजर्व द नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थी बॉडी। आगे कंटिन्यू करो, देयरफॉर ड्रग यूज पोटेंटाइज्ड, देयरफॉर ड्रग यूज्ड पोटेंटाइज्ड टू एनहांस द क्यूरेटिव पावर। अब जो आपका लॉ ऑफ डायनामिक है, उसमें हम जो ड्रग देते हैं वो हम क्या करते हैं, पोटेंसी के बेस पे देते हैं, यानी कि जिसमें हम क्या करेंगे, पोटेंसी का डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। डाइल्यूशन में क्या होता है, आपके कम से कम एक जो आपकी मेडिसिन होती है, यानी कि आप अगर डाइल्यूशन कर रहे हो, अगर आपने किसी चीज़ का 5 ml लिया है, तो आप फर्दर क्या करोगे, उस 5 ml का डाइल्यूशन करके फिर उस डाइल्यूशन से क्या करोगे, फर्दर फिर 5 ml लेके उसका फिर डाइल्यूशन करोगे, तो उसमें क्या जितनी कम आपकी क्या होगी, डाइल्यूशन होगी किसी पोटेंसी किसी ड्रग की, उतने ही ज़्यादा क्या करेगा वो, आपकी जो डिजीज़ है उसको क्या करेगा, क्योर करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका वाइटल फोर्स, इट इज़ अ डायनामिक पावर विच प्रिजर्व लाइफ फोर्स, इट इज़ अ डायनामिक पावर विच प्रिजर्व लाइफ फोर्स एंड इट्स नॉर्मल स्टेट एंड इट्स नॉर्मल स्टेट विच इंडिकेट गुड हेल्थ। लिखा, अब मैंने आपको ऊपर जो डायनामिक पावर लिखाया है वो आपका कहाँ से आया, ऊपर से जो आपका मैंने मिनिमम डोज में बताया था, ठीक है ना। तो ये आपके जो वाइटल फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी में आपके कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम होता है उनको वीक करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि हम कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसी टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, जो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज़ करेगा किसको, हमारे वाइटल फोर्स को, जिससे कि क्या होगी, हम मतलब हमारी जो स्टेट है वो नॉर्मल हो जाएगी, साथ साथ हमारी क्या होगी, हेल्थ अच्छी होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डायनेमिक पावर विच प्रिजर्व फोर्स एंड इट्स नॉर्मल स्टेट विच इंडिकेट गुड हेल्थ। लिखा, यानी कि जो आपकी क्या है होम्योपैथिक सिस्टम में क्या है, जो आपके नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग है, ठीक है, वो क्या है आपका, जो मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो किसको, पेशेंट को, वो क्या करता है, एक मतलब टारगेट बोल सकते हो, या फिर आप क्या करते हो, कैटलाइट एजेंट की तरह काम करता है बॉडी में, जिससे कि क्या होता है, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट मैकेनिज़म होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है ना। हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं होम्योपैथिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो क्या कर रहा है, हमारी जो बॉडी में क्या हो रहा है, जितने भी आपके जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक कैटलाइट एजेंट की तरह ये काम करती है मेडिसिन, जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं उनको क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, जिससे कि क्या हो, हम हेल्थी हों। इसके बाद इसके आते हैं डायग्नोसिस, यानी कि कैसे कैसे पता लगाते हैं कि किसी को कोई डिजीज़ है या नहीं है। इसे आप सुन लो, बाकी मैं नोट्स में दे दूँगी, ठीक है, आपके आयुर्वेदिक सिस्टम के नोट्स और इसके मैं एक साथ ही दे दूँगी, कल तक दूँगी मैं, ठीक है। फर्स्ट तो इसमें है डिटेल्स क्योर हिस्ट्रीज एंड मेडिकल हिस्ट्रीज, ठीक है। उसमें आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, किसी
इंडिविजुअल जो आपका पेशेंट है यानी कि जो सही पर्सन है उसमें आप क्या करोगे, इंड्यूस करा रहे हो पहले ड्रग को, प्लस आप उसमें मेडिसिन की पूरी हिस्ट्री लिखोगे यानी कि जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है पर्सन की, कि पहले उसे कोई और बीमारी तो नहीं है जिसमें आप इंड्यूस करा रहे हो, ठीक है ना। अगर उसमें कोई भी बीमारी नहीं होगी यानी कि वो पूरा हेल्थी पर्सन होगा तभी जाके आप क्या कर रहे हो उसमें इंड्यूस करवाओगे कोई मेडिसिन या कोई ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। सेकेंड आता आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ करंट सिम्टम्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने उस जो हेल्थी पर्सन है उसको आप लोगों ने क्या किया, आपने ट्रीट करवाया यानी कि आपने उसको क्या किया, जो ड्रग सब्सटेंस है उससे आपने उसको क्या करी, डिजीज़ कॉज करवाई, तो आप फर्दर क्या करोगे, उसको जो करंट सिम्टम्स है उनको रिकॉर्ड करोगे यानी कि उसके फिजिकल चेंजेस या उसके इमोशनल या मेंटल कुछ उसको फ़र्क तो नहीं पड़ा उससे, ठीक है। वो सारे सिम्टम्स क्या करोगे आप लोगों को रिकॉर्ड करने हैं। थर्ड आता है आपका मोडलिटी टू प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, दैट इज़ वेदर दे वेरी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, टू वेदर टाइम ऑफ डे, चेंज ऑफ सेशन, ठीक है, या फिर सीजन। अब क्या होता है, कई बार हम जब उसको ट्रीट करा रहे हैं कोई मेडिसिन, ठीक है, तो उसमें हमें चेंजेस देखना है कि वो चेंजेस किसके मतलब किसकी वजह से आ रहे हैं। कई बार तो क्या होता है कि जो पेशेंट आता है उसमें अगर कुछ चेंज आए हैं तो वो कभी कभी क्या, अगर मौसम चेंज होता है आप लोगों को पता है, जैसे गर्मियों में या सर्दियों में कई बार क्या होता है किसी का टेम्परेचर हाई या कम होने लग जाता है, ठीक है, यानी कि उसको क्या सीज़न जब चेंज होता है थोड़ा बीमार, उसको फीवर आने लग जाता है, किसी को क्या होता है जुकाम लग जाता है, तो वो ये चेक करते हैं कि मौसम की वजह से इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं या फिर हमने जो उसको मेडिसिन दी है किस चीज़ के लिए, ताकि उसे कोई भी डिजीज़ क्या हो कॉज हो सके या उसकी वजह से उसको कुछ चेंजेस आए हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं नोट करते हैं, ठीक है ना। फर्दर हम उसमें चेक करते हैं जो पेशेंट का मूड है या बिहेवियर है या सब साइकोलॉजिकल जो उसके क्या है कंडीशंस है उनको चेक करेंगे। जब हम इन सब चीज़ों को चेक कर देते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद क्या होगा, हम इसकी एक हिस्ट्री बनाएंगे, ठीक है, डिटेल्स लेंगे, इसके एक केस हिस्ट्री बनाएंगे जो कि क्या करेगी, जो उसके सिम्टम्स हैं उन सब का एक फॉर्मेट हमारे पास रहेगा, जिससे कि हम फर्दर क्या करेंगे, अगर कल को हमारे पास कोई डिजीज़ वाला पेशेंट आता है तो हम उस सिम्टम्स से फर्दर उस डिजीज़ वाले जो पर्सन है उसके सिम्टम्स को मैच करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे कम अमाउंट में, ठीक है ना। अब ये सिर्फ एक ड्रग की बात नहीं हो रही, अलग अलग पेशेंट मतलब अलग अलग हेल्थी पर्सन में हम अलग अलग क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज करवाएंगे, फर्दर उसके जो सिम्टम्स निकलेंगे उन सिम्टम्स को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट करने के बाद क्या होगा, जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा जिससे कि क्या है कोई डिजीज़ हो रही है, वो सिम्टम उस सिम्टम से मैच करवाएंगे, फर्दर हम उसको क्या करेंगे, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। ये इसके डायग्नोसिस थे, और ट्रीटमेंट तभी होगा जब ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपके पास रिकॉर्ड होगी अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ओके।